मैं राजेश हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट गर्मी गाइड में आप सभी को स्वागत करता हूँ। भारत में ऋषि मुनि अधिकतर जंगलों में स्थापित आश्रमों व गुरुकुलों में ही निवास करते थे और वहां रहकर जड़ी बूटियों का अनुसंधान व उपयोग निरंतर करते रहते थे। ऋषि मुनि जब आश्रम से निकलकर जंगलों में घूमने जाते थे तो वन औषधियां अपना गुण स्वयं बताने लगती थी। उन्हीं औषधियों में एक पौधा है लच्छीरा। गाँवों में लोग इसको चिचड़ी भी कहा करते हैं। यह दिव्य पौधा देश के प्रारूप सभी प्रांतों में हर जगह पाया जाता है। लच्छीरा के पौधे की अगर बात की जाए तो इसकी जड़ से लेकर बीज तक विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि लच्छीरा का पौधा अनेकों बीमारियों में लाभदायक होता है। त्वचा रोग, सर्पदंश, बिच्छूदन, कान, आंख, श्वान, खांसी, दमा, अर्श रोग, भस्मक रोग, प्रसव में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी राख में पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी दातून करने से दांतों मसूड़ों का रोग तुरंत ठीक हो जाता है और मुंह से दुर्गंध आना बंद हो जाता है। इस पौधे का पौराणिक महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि चिचड़ी के पौधे में गंगा का वास होता है और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए चिचड़ी की दातून करके भैंस के दूध का दही और चावल लोग खाते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि 21 वर्ष तक लगातार इसकी दातून करने से वाणी से निकला हुआ हर शब्द सच होता है। वैद्य आशीष का कहना है कि यह बहुत ही गुणकारी औषधीय पौधा है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।